नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत हरपुर बरड़ा पंचायत में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि युवा समाज सेवी चंदन कुमार भास्कर से। इनका परिचय मैं यही बता दूं कि ये युवा है और समाज के लिए अपना सहयोग देने में हर समय आगे रहते हैं। ये कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी काम कर रहे हैं और ऐसे मैं इनसे बात करके पूछूंगा कि इनकी आगे की मंशा क्या है, लेकिन इनका जो शुरुआत का जो विचार आया है उनसे मुझे लग रहा है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बराबर ये जुड़े रहते हैं और पहले भी कई सारे काम इन्होंने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र को लेकर किया है। तो चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चौपाल समाचार के कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने अपने कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कौन कौन सा काम किया है जो उनके विकास के लिए, उनके मदद के लिए किया है। जी, सबसे पहले आप सभी को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमको अपने चैनल पे आने का मौका दिए। और जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ मेरा गांव है और यहाँ से जब हम पढ़ने पटना चले गए थे, तो जब हम बीच बीच में जब आते थे तो यहाँ की जो भी स्थिति थी, चाहे सड़क को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, तो हम जब भी आते थे वो मुझे लगता था कि कुछ कमी है हमारे क्षेत्र में। तो हम वहाँ से एक लोगों के और युवाओं के सहयोग से बिजली के क्षेत्र में 2016 से काम शुरू किए और उस समय से कुढ़नी के लगभग 39 पंचायत, जितने भी पंचायत है उसमें 165 गाँव। तो पहले 2-3 महीना युवा साथियों और स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम पूरा का फाइनली सर्वे करवाए। सर्वे के बाद जो भी विभाग के उस समय के अधिकारी थे उन लोगों का बहुत योगदान रहा और आज हमको बताने में खुशी हो रही है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के 70% गांवों में बिजली का पूर्ण काम हो चुका है। 30% काम जो मेंटेनेंस का है, जैसे तार बदलना हो, पोल बदलना हो, कहीं पुराना ट्रांसफार्मर है 16 kV का, उसको 63 करना, वो काम किया जा रहा है। और दूसरा, एक आपके चैनल से खुशखबरी और बता रहे हैं कि कुढ़नी ही ऐसा विधानसभा है पूरे बिहार में, यानी कि मुजफ्फरपुर में 11 में नहीं, पूरे बिहार में, जहां 2 सब स्टेशन और उसके बाद 1-2 कृषि फीडर प्रस्तावित है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट उस क्षेत्र में काम हुआ है और उस क्षेत्र में लोगों का योगदान भी रहा है और विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आपके माध्यम से उनको बधाई दे रहे हैं, उस विभाग के सभी अधिकारी को और माननीय मुख्यमंत्री को, कि उनकी इच्छा शक्ति इस चीज में बहुत रही है। जी चंदन जी, आपने कहा कि बिजली के क्षेत्र में आपने बड़ा सहयोग किया है, लोगों को उपलब्ध कराया, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली कि बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए? देखिए, जब भी हम गांव आते थे या उस समय हम मगध यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे पटना में थे, तो जब भी हम आते थे तो हम फिर कह रहे हैं कि मुझे जब भी आए तो अपेक्षित लगता था, जब यहाँ आने के बाद सामने लाइट नहीं रहती थी, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होता था, यानी कि जहाँ हम गांव में बैठे हुए हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस समय मेरे गांव में लाइन नहीं था। तो वहाँ से मुझे लगा कि जब मेरे जैसे लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा तो और लोगों को कितना परेशानी सामना करना। तो जब हम अपने यहाँ सबसे पहले बिजली का काम करवाए, तब मुझे लगा कि नहीं, और लोगों के लिए हमको करना चाहिए। और उस समय से हम सभी पंचायत में, खुद हमको कोई नहीं बुलाया, हमको खुद लगा ये काम मुझे करना चाहिए, तो हम किए। उस बीच में जो भी काम मेरे, चाहे कहीं आग लग गया, कोई हमको पता चला, तो हमने ये प्रयास किया कि आपदा प्रबंधन से कुछ उसको दिलवाया जाए। चाहे छोटा मोटा स्कूल का भी समस्या हुआ तो स्थानीय, चाहे BDO साहब हो, CO साहब उस समय के हो, DM साहब उस समय के, सब लोगों का अभूतपूर्व प्रयास और सहयोग रहा है। इसीलिए कुढ़नी में जो जो समस्या, जिन जिन मुद्दों पर हमको काम करने का मौका हुआ, हम किए, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मेरा बिजली पे रहा है। उसके लिए हमने काम किया है। आप कुढ़नी जब कभी घूमेंगे या जब जाएंगे तो आप देखेंगे कुढ़नी बिजली के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा हुआ है। और भविष्य में हम आपको 2-3 महीने के अंदर आश्वासन दे रहे हैं कि अभी जैसे कल हम विभाग में जाने वाले हैं समीक्षा बैठक में, तो उम्मीद है कि 2-3 महीना के अंदर कुढ़नी में बिजली नामक कोई बीमारी नहीं रहेगा, इससे हम दूर हो जाएंगे।
जी। और बिजली को के अलावा और किन क्षेत्रों पे आप काम कर रहे हैं पुराने विधानसभा जी? जिसे अभी अभी सूचना एवं जन संपर्क मंत्री जय कुमार सिंह, उनसे हमने 2 बार बात किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिल के बात किए, जो यहाँ के अखबारों में भी छपा था कि हम उनसे निरंतर पॉलिटेक्निक कॉलेज का मांग कर रहे हैं कि कुढ़नी प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थापना हो, क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए हैं उन सबका एक ही इच्छा है कि हमको इंजीनियरिंग करना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा और बिहार का जनसंख्या के दृष्टिकोण से इतना बड़ा प्रखंड होने के बाद भी हम अभी भी अपेक्षित हैं। तो हम ये सरकार को दोष इसलिए नहीं दे सकते कि काम निरंतर कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि इससे पहले रहे हैं हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो निरंकुश रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्य में लापरवाही रही है और छोटे छोटे विकास को वो गिनाकर अपना खाना पूर्ति करते हैं, जैसे सोलर लगा देना, कहीं लाइट लगा देना, तो ये सीरी घाट बनवा दिए। हम उससे इसके विरोधी नहीं है, वो अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन मूल क्या है कि जो युवा है उसको रोजगार चाहिए, टेक्निकल शिक्षा चाहिए, अगर हमको अभी बीमारी होगा हमको हॉस्पिटल में जाना है, वो मूल चीज, उस पर कभी उन लोगों का फोकस नहीं रहा। तो ये इसका अपेक्षा कुढ़नी बराबर झेला है और अभी भी झेल रहा है। 39 पंचायत है, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर की टीम है, 1 पंचायत से दूसरे पंचायत की दूरी 28 किलोमीटर। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 28 किलोमीटर एक टीम कैसे जाएगी एक दिन में। तो यहाँ कम से कम 2 PSC इसके बाद होना चाहिए था, वो नहीं है। इसका अपेक्षा कुढ़नी के लोगों को भी है और हमको भी अफसोस है कि हम लोग राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद अभी अब हम लोग असफल रहे हैं। हम भी अपने आप को असफल मानते हैं, क्योंकि अगर कुढ़नी में अगर लोग असफल है तो हम भी यहाँ के नागरिक, हमारी भी असफलता है कि हम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजे जिनको इन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं रहा। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है जिस तरह से युवा राजनीति और युवा राजनीति में सक्रिय हुए हैं, बदलाव होगा। जब बदलाव होगा तो हम लोग अवश्य सफल होंगे और पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी स्थापना करवाएंगे और साथ ही जो भी हमारी आवश्यकता है, जैसे बिजली के क्षेत्र में हम बहुत आगे चले गए हैं, अब हमारा सीधा फोकस एजुकेशन और हेल्थ पे है। आपका निजी विकास सब लोग कर रहे हैं, मुखिया जी कर रहे हैं, समिति कर रहे हैं, जिला परिषद, लेकिन हमसे लोग अपेक्षा बड़े चीज का करते हैं। हमसे लोग रोड बनवाने का अपेक्षा नहीं करते हैं, उसके लिए सरकार बैठी हुई है, लेकिन हम ऐसा चीज लाए जो समाज में युवाओं को और आम लोगों से जुड़ा हुआ है। तो वो यही चीज है जो आपको, जो मेरी मेरी समझ है वो हम बता रहे हैं, तो उस पर मेरा फोकस रहेगा और युवाओं का साथ रहेगा। तो आने वाले दिनों में इसके आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि यहाँ पर और विकास हो। अभी आपने कहा कि सड़क बनवाने के लिए लोग अपेक्षा नहीं कर रहे, सड़क सरकार बना रही है, तो बिजली के क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो सरकार क्या उसमें काम नहीं कर रही है? आपके आपका क्या इसमें? देखिए, सरकार हर काम कर रही है, चाहे वो 7 निश्चय पे हो, हेल्थ पे हो, एजुकेशन पे हो, सब चीज पे। लेकिन जो जो भी सदन के माननीय सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायती राज, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने क्षेत्र में उस चीज को कितना ला पा रहे हैं और अब अपने क्षेत्र की समस्याओं को क्यों कितना रख पा रहे हैं। क्योंकि अगर इसकी जरूरत नहीं होती, तो आप जानते हैं कि विधानसभा के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री भी सदन के सदस्य होते हैं और एक आम विधायक भी सदस्य होते हैं, और वो अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ सवाल या उनसे सवाल कर सकते हैं कि माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में इस चीज को क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसका साफ संकेत है कि हमारे पास डेमोक्रेटिक शक्ति है, जो अपने सरकार से भी हम सवाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति जरूर है, लेकिन जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होती है। इसी में क्यों आप लोग बताते हैं कि ये विधायक बहुत अच्छा है, मुखिया बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी व्यक्ति, उनको भी उतना ही फंड मिल रहा है जिनको दूसरे को मिल रहा है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति उसमें अत्यधिक है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो लोग जनप्रतिनिधि है वो अपने जिम्मेवारी से भागे नहीं, अपने जिम्मेवारी को समझे कि मेरी जिम्मेवारी क्या है। मेरी जिम्मेवारी, फिर हम कह रहे हैं, मेरी जिम्मेवारी सोलर लाइट लगाने की नहीं है अगर हम विधायक बनेंगे या MP बने, मेरी जिम्मेवारी है कि लोगों को, इतने अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे पूरे गांव को लाइन आएगा, हम एक सोलर देंगे तो एक घर में रो। तो मेरा फोकस समरस विकास में है कि सभी का विकास होना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, किसी धर्म के हो। तो इसलिए हम उन लोगों की ओर से अपेक्षित मानते हैं लोगों को कि मूलभूत सुविधा से यहाँ लोग दूर रहे। तो इसलिए हम, सरकार तो कर रही है, अच्छी बात है, हम तो सराहनीय कर रहे हैं कि सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार के बाद हमारे जनप्रतिनिधि कितना उसको जमीन पे ला पा रहे, इसका मुझे बहुत अफसोस है कि उन लोग बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए जितना अपेक्षा था। अगर कोई सरकार गलत है और नई सरकार आ रही है तो ये उम्मीद आप कभी नहीं कर सकते उनको दोष देकर आप 5 साल सरकार चलाइए। आपको अच्छा करने के लिए भेजा गया है, आप अच्छा करिए, वो नहीं किए इसलिए आपको जिताया गया, ना कि आप उनकी गलती को गिना के आप भी 5 साल निकाल लीजिए।
ये उचित नहीं, इसके ये युवाओं का मांग है जो हमको जब भी क्षेत्र में निकलते हैं तो हमको सुनने को मिलता है जी। तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव की आप ये हम लोग समझे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं आप इस के कुरंडी विधानसभा के लिए। देखिए हमारा यहाँ घर है और अटल बिहारी वाजपेयी एक शब्द बोले थे प्रधानमंत्री के साथ साथ कभी भी कि हर व्यक्ति को राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो एक भारत के और इस कुरहन्नी के नागरिक होने के नाते मेरा तो धर्म यही है कि मुझे कुरहन्नी के लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिले तो हम जरूर करेंगे। लेकिन उन सब के बावजूद अगर विधानसभा चुनाव आ रहा है सामने है, अगर लोगों का युवाओं का सहयोग अगर आशीर्वाद रहेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। एक तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमें अगर मौका मिलेगा तो लीडरशिप क्वालिटी क्यों नहीं डेवलप करेंगे, जरूर करेंगे। क्योंकि अभी आप देश लेवल पे हो, बिहार स्तर पे हो, कुरहन्नी स्तर पे हो, हर जगह लोग एक परिवर्तन चाह रहे हैं। तो अगर उस परिवर्तन की गवाह हम बनेंगे तो मेरे लिए खुशी होगी। लेकिन अगर कोई और भी युवा जो कुरहन्नी में होगा या जिनके मन में होगा चुनाव लड़ना, अगर वो बेहतर करेंगे तो मैं उनको भी आपके चैनल्स के माध्यम से पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि आप आगे आइए, चंदन कुमार भास्कर आपके साथ खड़ा रहेगा कुरहन्नी के विकास के लिए। हो सकता है कि आपका कुछ राजनीति है उसमें आपका सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन कुरहन्नी के विकास के लिए जो भी लोग बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, जैसा मदद खोजेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे जी। तो अभी कुरहन्नी विधानसभा की तैयारी में आप जो माहौल देख रहे हैं वो किन किन मुद्दों को लेकर के आप इस विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं, ऐसा कुछ आपने सोचा है? हमारा है कि जो हम आपको पहले भी बता रहे हैं और फिर बता रहे हैं, मेरा एक ही सबसे बड़ा है कि यहाँ पे रोजगार का डेवलपमेंट किस स्तर पे हो रहा है उस स्तर पे काम किए जाना चाहिए। और मेरा फोकस उन्हीं पे है कि यहाँ पर अगर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बेड होगा, हमारे 1200 बच्चे अगर यहाँ पढ़ाई करेंगे तो जरूर उनके माँ बाप बहुत खुश होंगे कि मेरा बेटा को रोजगार मिला। चूंकि आज हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन का बहुत कमी है, राजीव गांधी 1989-91 में कंप्यूटर क्रांति का सोच किए थे, तो आज दिख रहा है। तो जिस तरह से बेंगलोर पुणे आईटी हब है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता है, हम क्यों नहीं डेवलप, हमारे पास क्या नहीं था और क्या नहीं है, लेकिन हमारा जो शक्ति है वो दूसरे राज्य में काम कर रहा है। इसलिए हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, जो व्यवस्था है, जैसे स्किल डेवलपमेंट का व्यवस्था है, उसको अगर बड़े ब्रॉड स्तर पर करें तो जरूर यहाँ पर लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन में अगर सबको सुविधा मिल जाए तो दिल्ली जाने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं। आप जानते हैं कि अमेरिका में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उतना सुविधा है जितना एक बड़े हॉस्पिटल में। तो हम अपने चीजों को डेवलप क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे अंदर सिर्फ एक ही चीज की कमी है, इच्छा शक्ति। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, ना डेवलपमेंट का कमी है, लेकिन उसको सही रूप से करने का श्रेय जो जाना चाहिए वो नहीं मिल पाता है लोग। इसलिए अगर युवा हमको मौका देंगे तो आप इतना विश्वास दिला रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में और उनके रोजगार के लिए हम निश्चित ही काम करेंगे। और कुरहन्नी में जैसा जब से हम हैं, मेरा गाँव है, लेकिन जब से एक्टिव हुए हैं तब से स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का बहुत जागरूकता कराया है, चाहे वो बॉल बैडमिंटन के क्षेत्र में हो, कबड्डी के क्षेत्र में हो। ये कुरहन्नी ही ऐसा प्रखंड है मुजफ्फरपुर जिला में जहां हम 3-3 स्टेट चैंपियनशिप कराए, चाहे वो कबड्डी हो, बॉल बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, जो भी हर संभव प्रयास है युवाओं के लिए, जो युवाओं के सहायक होगा वो जरूर आगे भी करेंगे और अभी कर रहे हैं। मेरी कोई बहुत अपेक्षा नहीं है कि हम अगर आने वाले चुनाव में विधायक बन ही जाएंगे तब करेंगे, नहीं बनेंगे तब करेंगे, ऐसा नहीं है। ये विकास निरंतर चलते रहेगा, जब तक यहाँ वो सभी सुविधा न हो जाए तब तक ये मांग जारी रहेगा। सरकार के पक्ष में रहे विपक्ष रहे ये इशू अदर हो सकता है, क्योंकि हम व्यवस्था डेवलप करेंगे तो इस सरकार में रहे न रहे हमारे पास व्यवस्था रहेगा तो हम जरूर उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सरकार तो आना जाना एक 5 साल का प्रक्रिया है, उससे हम अलग नहीं। जी चंदन जी, अभी आपने सारी बातें बताई, एक प्रश्न है कि अभी कोरोना महामारी को लेकर बहुत सारी व्यवस्था बदली है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुरहन्नी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही हजारों हजार की संख्या में प्रवासी जो बाहर रहने वाले लोग थे, कुछ काम करते थे, वो यहाँ पर आ गए हैं और उनके लिए बहुत सारी चुनौती भी आ गई है कि वो कैसे काम करेंगे, रोजगार उनको कहाँ मिलेगा। तो इन चीजों को लेकर आपने कुछ प्लान किया है कि कैसे उनको रोजगार मिले, कैसे उनको सुविधा मिले, कैसे सहयोग कर पाए? जी, जब से कोरोना महामारी का ये हुआ तब से, उस समय होली के बाद हम गांव पे थे,
तो सबसे पहला हम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, चाहे BDO साहब हो या CO हो या SDO साहब हो, सबसे पहले उन लोगों से मिले, क्योंकि सरकार ने पहले कहा कि जो लोग आएंगे क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, वहाँ पे जो लोग आगे पीछे आजकल हो, जैसे कुछ लोग आज आ गए कुछ लोग कल आ गए, उनको सुविधा का अभाव हुआ, तो लगभग 39 पंचायत में लगभग क्वारंटाइन सेंटर का हमने विजिट किया दिन रात। हाँ, हमें भी इसका डर था कि कहीं कोरोना हमको ना, लेकिन उन सब के बावजूद हमने वहाँ हर संभव प्रयास कराया कि वहाँ पे, दूसरी तरफ हमारे सामने चुनौती चमकी का है, क्योंकि कोरोना से हमको अब जीना होगा, कोरोना से भाग नहीं सकते हैं, उसके लिए एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, और सरकार का जो दिशा निर्देश है जितना है कानून वो तो पालन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है, अगर हम घर से नहीं निकलेंगे, किसान खेती नहीं करेगा, तो फिर सब अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग हर काम में रखेंगे तो कोरोना पे हम विजय पाएंगे। लेकिन चमकी बुखार है हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती 2-3 महीने का, इसके लिए है कि कुरहनी के जो CDPO हैं उनका बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, उनके साथ लगभग हम 20-25 पंचायत में गए और उन्होंने हर वो बस्ती में जहां ऐसा लग रहा है कि वहां इस तरह का बीमारी हो सकता है, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया, लोगों के बीच ORS पारासीटामोल की गोली उपलब्ध कराए, ताकि जिसको भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, हम लोगों ने बच्चों को बताया कि रात में भूखा ना सोने दो, जो लीची का समय है वो नहीं, अभी कुरहनी में हमको नहीं लगता कि चिमके का कोई शिकायत बहुत बड़े लेवल पे आया है, छोटा मोटा बुखार तो मौसम होते रहता है, अभी तक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि कुरहनी में ऐसा अनहोनी ना हो, उसके लिए होगा भी तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे पास वही चीज़ है कि हमारे पास मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है, जिसके लिए आने वाले जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, जब एक चुनौती आएगी, तो हम आपके चैनल से कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल के लिए, व्यवस्था के लिए जरूर आंदोलन तेज करेंगे, या सरकार में हम रहे या विपक्ष में रहे, ये इशू नहीं, इशू इस बात का है कि वो चीज़ होना चाहिए, जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए, इसलिए आप लोग के माध्यम से हम सब लोग को विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब भी कुछ इस तरह का काम आप लोग को लगेगा, और आपको एक और डिटेल बता दें कि बिहार के लोग जो प्रवासी दूसरे राज्य में थे, तो हमारे सोशल मीडिया फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कुरहनी के लगभग और देश बिहार के लगभग सब मिला के 10,000 लोगों को हमने वहाँ से बुलवाया है, 10,000 लोगों को बुलवाया है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि हम सबने किस तरह हम लोगों का मदद किए हैं, चाहे वो जो IT युग है, IT का इस्तेमाल करके उन लोगों को हम बुलाए हैं, चाहे वो उनका OTP फाइनल करवा के हो, चाहे वहाँ के DM से बात करके हो, वहाँ के सूचना जनसंपर्क मंत्री से हो, या ट्विटर पे उसको उनको टैग करके, मतलब सब लोग को जो मदद हर संभव प्रयास हुआ है वो किए हैं, और आगे भी लोगों के बीच बने रहेंगे, और उन लोगों का जो मदद हर संभव प्रयास होगा जरूर करेंगे। जी, आपने अभी सारी बातें बताई कि कुरहनी विधानसभा में ये कमी है, ये समस्या है, और इसको लेकर आप आगे काम करेंगे, तो आप अपनी अभी कुरहनी विधानसभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले, खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर? हम कुरहनी के जितने हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हमारे युवा साथी हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और वो मुझे हमसे भी मिले, मैं उन सबको आपके माध्यम से यहीं से संदेश दे रहा हूं कि आप कुरहनी को ऐसे जगह लेके चलिए जहाँ पे उसका आगे का भविष्य दिख रहा हो, क्योंकि आप जो समय और जो टाइम बीत चुका है उस पर ज़्यादा शिकायत करके उनका ये करके हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमारे सामने भविष्य की चुनौती है, वर्तमान को की चुनौती को देखते हुए भविष्य की तैयारी करें, और युवा साथियों के माध्यम को हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं पढ़ाई करें, अच्छा करें, खेल में आगे बढ़ें, लेकिन उन सब के बावजूद जब हमारे सामने एक भाग्य विधाता, जो राजनीति में वोट का जो शक्ति है वो भाग्य विधाता का, वो अगर मौका मिले तो अच्छे प्रतिनिधि को चुन के लाइए, ताकि आपके आपकी जो आवश्यकता है उसको जरूर वो पूरा करे। फिर कह रहे हैं कि हमारी आवश्यकता रोजगार है, हमारी आवश्यकता है पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मेरी आवश्यकता हॉस्पिटल है, इन सब चीज़ों पर अगर काम करेंगे आज के दिनों में तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत अच्छा होगा, और मुझे उम्मीद है कि जितने युवा साथी हैं जो जुड़े हुए हैं या आपके चैनल पे जब इंटरव्यू देखेंगे तो जरूर हमारे बात से सहमत होंगे, हमसे सहमत हो ना हो एक इशू हो सकता है, हमसे असहमत हो सहमत वो इशू हो सकता है, उससे हम इनकार नहीं कर सके, लेकिन जो मेरा कुरहनी के लिए मांग है या जो मेरा इशू है उस पे वो हमारे साथ है, मुझे विश्वास है, और मुझे ये भी विश्वास है कि आने वाले समय में वो सब मेरे साथ रहेंगे और हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आने वाले कुरहनी को, जो हमारा बिहार के मानचित्र पर इसको बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं, वो जरूर मिलेगा, और मुझे विश्वास है कि यहाँ के युवा हमें साथ देंगे।
चन्ना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चौपाल समाचार के इस खोज खबर कार्यक्रम में भाग लिया है, और हम आशा रखते हैं कि आपकी युवा सोच और आपकी प्लानिंग से इस कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का बदलाव होगा, उसमें कुछ सहयोग कर पाएंगे आप। तो आप सभी दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने माध्यम से यदि चंदन जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हो या इनसे जुड़ना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, हम आपके मैसेज को भी इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम ये आशा रखते हैं कि आप अपने स्तर से भी इन सब चीजों का आकलन कर कमेंट कर हमें सूचित करेंगे। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर के लिए धन्यवाद।